हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे आज की इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की नेक्स्ट सिनेरियो हमें क्या देखने को मिल सकती है, बिटकॉइन क्या नेक्स्ट टारगेट हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है जहां पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ सके। फिलहाल अगर बिटकॉइन के बारे में यहां पर बात करें तो इसकी प्राइस चल रही है $49,887 की, जो कि थोड़ा सा हमें यहां पर रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। रीजन के बारे में हम यहां पर बात करें तो 4 आवर के चार्ट पे अगर आप यहां पे देखोगे तो एक ऐसी रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है जहां के एवरेज प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 4-5 दिन तक हमें यहां पर रिट्रेसमेंट देखने को मिल चुका है। जब भी लगभग इस एरिया को टच करती है तो मार्केट यहां से डाउन हमें देखने को मिलता है। फिलहाल अगर हम यहां पर बात करें बिटकॉइन के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार ये जो $50,500 का ये जो एरिया है ये यहां पर इजीली ब्रेकआउट होगी और जो नेक्स्ट टारगेट यहां पर बनती है वो होगी $52,000 की। लेकिन अगर किसी कारण से $55,500 की ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट नहीं होती है तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है और फिर जो इसकी लेवल होगी, जो यहाँ पर सपोर्ट होगी, वो बनेगी लगभग $48,000 तक में। तो यहाँ तक भी सपोर्ट बन सकती है, लेकिन चांसेस जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी है कि आज यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया 52,000 एरिया को ये टच करेगी, जैसे ही इस एरिया से बाहर निकलती है 55,500 के इस एरिया से बाहर निकलती है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई बनेगा कि ये $52,000 को टच करें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट के बारे में बात करें, जब इस एरिया पे यहाँ पे टच करेगी तो जाहिर सी बात है एक रिट्रेसमेंट बनेगी और रिट्रेसमेंट के दौरान फिर से ये आपको $50,000 पर सपोर्ट करते हुए दिखेगी, जैसा कि 4 आवर चार्ट में मैं आपको बताता हूँ। तो 4 आवर चार्ट में अगर आप देखो तो जैसे ही ये एरिया यहाँ पर ब्रेकआउट होती है चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई बनेगा कि यहाँ पर फिर से ये यहाँ पर आए, अपना एक सपोर्ट लेवल बनाकर फिर से यहाँ से एक अप पुल बैक यहाँ पे कर सकती है। जैसा कि अगर 4 आवर चार्ट में आप देखोगे तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो जब मार्केट यहाँ पर इस एरिया को ब्रेकआउट की, तो इस एरिया को जब यहाँ पर ब्रेकआउट की तो फिर यहाँ पर कुछ ये रेसिस्टेंस हमें देखने को मिला। इस रेसिस्टेंस को टच करने के बाद फिर से जो इसकी सपोर्ट लेवल थी वो यहाँ पर इसने टच की, फिर सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट हुई और फिर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ से हमें एक पुलबैक देखने को मिला। तो ठीक इसी तरह का सिनेरियो फिर से हमें देखने को मिल सकता है। अब हम एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक हमें रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। इस रेसिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट की गई, ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पर इस रेसिस्टेंस से हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। रिट्रेसमेंट देखने के बाद फिर से इसी एरिया पे, इसी सपोर्ट एरिया पे हमें एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिला। इसके बाद फिर से हमें इस सपोर्ट से हमें यहाँ पर पुलबैक देखने को मिला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से हमें एक सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट करते हुए मार्केट दिखी और उसके बाद काफ़ी अच्छा हमें प्राइस में अप मोमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनता है कि इस एरिया को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी। ब्रेकआउट करने के बाद हो सकता है 52,000 या फिर लगभग से लगभग उस प्राइस में यहाँ पर रहेगी। टच करने के बाद फिर से चांसेस बनेगा कि इसी एरिया पर सपोर्ट बनाए या फिर थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। तो सपोर्ट जब बनाती है तो फिर से एक अच्छा, यहाँ से अच्छा खासा पुलबैक हमें देखने को मिलेगा और फिर जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलेगी वो लगभग से लगभग $53,000 को देखने को मिलेगी और उसके बाद अगर हम बात करें तो ईजिली आपको $58,000 को देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।